दियो के बिना तो दीपावली है अधूरी, तो चलो बनाते हैंगिंग दिया होल्डर। फॉइल पेपर का बचा हुआ कार्डबोर्ड ले लेंगे, कार्डबोर्ड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर कोई बच्चे काट रहे हैं तो आप अपने किसी बड़े की मदद से ये कटवा सकते हैं। इस तरीके से पीसेस कट करने के बाद इस पे गोल्डन कलर आप अप्लाई करें अंदर और बाहर दोनों तरफ से। फ्लैट कार्डबोर्ड लेकर के उसको सर्कल शेप में काट लेंगे, अंदर की तरफ से भी उसको सर्कल शेप में काट लेंगे तो इस तरीके की शेप आ जाएगी। वॉल पुट्टी और वाटर का गाढ़ा पेस्ट बना करके अब उस सर्कल शेप पे आपको अप्लाई कर देना है। जो पीसेस हमने कट करे थे उनको भी फेविकॉल की मदद से चिपका देना है। अंदर की तरफ से आपको एक्रीलिक कलर कर देना है। एक्रीलिक कलर करने के बाद आप मिरर या कुछ भी आपके पास डेकोरेशन आइटम हो वो भी आप लगा सकते हैं। शिल्पकार क्ले ले लिया, शिल्पकार क्ले को मैंने लीफ शेप दे दिया है। अंदर की तरफ थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। लीफ शेप बनाने के बाद तीन लीफ बना ली है मैंने। तीन लीफ बनाने के बाद उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। मैंने शिल्पकार क्ले की हेल्प से तीनों को आपस में जोड़ दिया है। शिल्पकार क्ले की जगह आप एमसील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसील सस्ती और मजबूत होती है। मेरे पास एमसील नहीं थी तो मैंने शिल्पकार से ही इसको जोड़ दिया। अब पीछे भी हैंगिंग के लिए इस तरीके से गोल ये लगा लेंगे, बीच में से इसमें सर्कल कर लेंगे पेन की मदद से, और इसको भी शिल्पकार क्ले की हेल्प से मैंने ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से चिपका दिया है। चिपकाने के बाद इन लीव्स पे मैंने येलो एक्रीलिक कलर कर लिया है। येलो एक्रीलिक करने के बाद इसको सूखने दें। हैंगिंग दिया होल्डर बनकर रेडी है। इस पे आप प्लास्टिक का आर्टिफिशियल दिया और मिट्टी का दिया भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अच्छी ना लगने पर डिसलाइक भी कर सकते हैं।